कल मेरे वीडियो का शूटिंग था और जो मुझे वो पोस्टपोन करना पड़ा, उसका कारण ये था कि जो आदित्य है जो मुझे शूटिंग में मदद करते हैं, उनके कान में अचानक से दर्द होने लगा और मुझे उन्होंने फोन किया कि मैडम एक तो शूटिंग प्लीज कैंसिल कर दो, पोस्टपोन कर दो और मुझे कुछ इलाज भी बताओ जो मैं घर पे अभी कर सकता हूँ। मैंने कुछ चीजें टिप्स बताई, कुछ इलाज की चीजें बताई और आज उनका दर्द काफी हद तक कम था। और मैंने सोचा फिर क्यों ना मैं वही टिप्स वही इलाज के तौर तरीके आप ही से शेयर करूं, ताकि अगर आपके कान में दर्द हो तो आप घर पे वो ट्राई कर सकते हैं। कान में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, सर्दी खांसी होना या कान में कुछ इन्फेक्शन होना, कान में वैक्स जमा होना, कान के वहां की जो स्किन होती है उसमें कोई बॉइल आना या फोड़ी आना, या तो फिर आजू बाजू में जो मसल होता है उसमें दर्द उठना, दांत में दर्द होने से भी कभी कभार पेन उस तरफ कान की तरफ जा सकता है, इवन सर में अगर दर्द है या सर में कहीं इन्फेक्शन है तो भी कान की तरफ दर्द आ सकता है। तो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से कान में दर्द हो सकता है। तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, तो आज मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी जो आप घर पे कर सकते हो अगर आपके कान में दर्द है। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं एंड में इस रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाली हूँ, कुछ डेंजरस साइन जब आपको घर पे इलाज करने के लिए नहीं रुकना चाहिए। ईयर पेन के होम रेमेडीज के बारे में पहला पॉइंट, कान की गर्म या ठंड चीजों से सिकाई करना या कोल्ड या हॉट कॉम्प्रेशन। आप एक कपड़ा लीजिए, उसे गर्म या ठंडे पानी में डाल के स्क्वीज कीजिए उसे निकाल के, और उस कपड़े से आप कान की बाहर से सिकाई कर सकते हैं। आप दोनों चीजें ट्राई कीजिए, ठंडा और गर्म, और देखिए आपको किससे पेन रिलीफ महसूस होता है और फिर उस चीज से सिकाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे जो गर्म पानी की बैग रहती है या हॉट पैड रहता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप जब बैठ रहे हो या लेट रहे हो तो आपका सर ऊपर होना चाहिए या आपको अपराइट पोजीशन लेनी चाहिए, यानी आप पीठ पे या सर के पीछे आप तकिया लीजिए ताकि जिससे आपका सर 45 डिग्री एंगल पे हो। इससे जो कान में सिक्रीशन है, सूजन है, वो ड्रेन होने में मदद हो जाती है और वो जब ड्रेन हो जाएंगे नीचे चले जाएंगे तो उससे कान की सूजन कम हो जाएगी और दर्द कम हो जाएगा। तो सोते वक्त और बैठते वक्त ये पोजीशन लेने से आपका पेन रिलीफ होने में मदद हो सकती है। तीसरा पॉइंट, अगर आपका कान का दर्द मेनली बहुत ऊंचाई पे जाने की वजह से या फ्लाइट में ट्रैवल करने की वजह से है या हाई अल्टीट्यूड पे ड्राइव करने की वजह से है, जिसमें कान में प्रेशर के बदलाव की वजह से कान का पर्दा खिंच जाता है और कान में दर्द शुरू हो जाता है, ऐसे समय पे जो गम्स आते हैं उन्हें चीव करना, यानी जो चिविंग गम्स आते हैं उनको चबाते रहने से कान का प्रेशर जो है वो इक्वलाइज होकर दर्द कम होने में मदद होती है। अगर बच्चों को फ्लाइट में दर्द हो रहा है कान में और उसकी वजह से रो रहे हैं तो उन्हें कुछ पीने के लिए देना, या अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ब्रेस्ट फीड कराने से उनके जो फीडिंग का जो मूवमेंट होता है दांतों का मुंह का, उसके वजह से कान का प्रेशर कम होके दर्द कम हो जाता है और बच्चों को आप पेन से रिलीफ मिल जाता है। चौथा पॉइंट, नेक की कुछ एक्सरसाइजेस करना। काफी बार नेक और शोल्डर के जो मसल्स होते हैं उनमें स्टिफनेस आने की वजह से, स्पाज्म होने की वजह से कान में दर्द हो सकता है, तो हल्की फुल्की नेक बेंड करना, एक्सटेंड करना, लैटरली रोटेट करना, ऐसे कुछ नेक के एक्सरसाइज करने की वजह से कान का दर्द कुछ हद तक कम होने में मदद हो सकती है। और आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेडिसिन के बारे में, तो कौन से मेडिसिन हम लोग घर पे यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मेडिसिन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है कुछ मेडिकेटेड ड्रॉप्स जो हम लोग कान में डाल सकते हैं और दूसरे होते हैं मेडिसिन जो हम लोग मुंह से ले सकते हैं। ड्रॉप्स में कुछ पेन रिलीविंग ड्रॉप्स ओवर द काउंटर आपको मेडिकल स्टोर में मिल सकते हैं, वो जो आप एक हाथ दिन के लिए डाल के ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखना अगर कान में छेद है या कान से पानी आ रहा है, कुछ पस निकल रहा है, तो स्ट्रिक्टली कोई भी ड्रॉप यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है मुंह से लेने वाली दवाइयाँ, पैरासिटामोल, आइब्रोफेन जैसी दवाइयाँ आप एक हाथ दिन लेके ट्राई कर सकते हैं कि उससे पेन कम हो सकता है या नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपका दर्द एक दिन के मेडिसिन के बावजूद भी कम नहीं हो रहा है तो ज्यादा मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। और अब आखिर में, जितना इम्पोर्टेंट है कि हमें घर में हम लोग क्या इलाज कर सकते हैं वो समझना, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि कौन से समय पे डॉक्टर को इमिडिएटली जाके दिखाना, ये जानना। तो कुछ कंडीशंस है जिसमें आपको घर पे वेट नहीं करना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जैसे कि अगर मानो आपको कान दर्द के अलावा बहुत ज्यादा बुखार है, चक्कर आ रहा है, वोमिटिंग हो रही है, या कान के पीछे के पार्ट में आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग है या वही स्वेलिंग चेहरे के आजू बाजू में भी फैली है, या कान से खून, पस या कोई भी डिस्चार्ज आ रहा है, या बाहर से आप देख सकते हैं कि कान में कुछ अटका हुआ है या कान का कैनल पूरी तरह से ब्लॉक है और उसके अंदर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और अगर आपके सिम्टम 24 से 48 घंटे के बाद भी होम रेमेडीज यूज करने के बाद भी कम नहीं हो रहे हैं, तो आपको आपके फैमिली डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और आगे का इलाज उनके गाइडेंस में करवाना चाहिए।
तो ये वीडियो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोग ऐसे ही हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए आते हैं। तो हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।